हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी माँ। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक परिवार से। परिवार परिवार में एक जो मुखिया होता है, नाम होता है धीरज। धीरज जो है थोड़ा सनकी टाइप के हैं, सक्की और सनकी। वो एक क्लिनिक में बैठे हुए होते हैं डॉक्टर के सामने। क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब देखिए मेरी रीढ़ का दर्द जो पीठ पे है इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे से सहन नहीं हो रहा। और ये करीबन हमको हो रहा है 10-15 दिन हो गए हैं। पहले तो थोड़ा थोड़ा सा था, अभी ऐसा लगता है कि पीठ पे कुछ बहुत सारा भार अटका हुआ है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपने जो हमको दवाई दी थी उससे थोड़ा बहुत तो लाभ हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जो आपको ऐसा महसूस होता है, जो मैं तो दवाई बहुत अच्छी अच्छी दे रहा हूँ। तो कहने लगे धीरज, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो सही में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने एक्सरे वगैरह सब कुछ कराया था, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़ायदा ज़्यादा हो नहीं रहा है। और फिर वो बैठ के ऐसे रोने लगते हैं उनके सामने। तो कहने लगे तो क्या बात बात है धीरज भाई, हमें बताओ बात क्या है। तो डॉक्टर साहब चूँकि वो थोड़ा सा उनको जानते थे, क्योंकि वो अधिकतर दवाई वहीं से लेने जाते थे। तो कहने हैं कि डॉक्टर साहब क्या बताएं, मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है कि मैं मेरे को भुलाए नहीं भूलता। कहने ऐसी क्या बात हो गई है। तो फिर वो जो है रोने लगते हैं, उनको बहुत धीरज बंधाते हैं, उनको ढांढस बंधाते हैं कि आप चुप हो जाइए सर, बताइए बात क्या है। इन डॉक्टर साहब मेरा जो है 10-12 साल का एक लड़का है, और मेरी पत्नी की अभी हाल ही में 15 दिन पहले डेथ हो गई थी। और मेरा लड़का ऐसा है, बच्चा मेरा स्कूल चुपचाप जाता है, तब वो अपना अपनी माँ के बारे में पूछता है कभी, और माँ की उसकी जबकि मौत हो चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी पत्नी को सोच सोच के हैरान परेशान रहता कि मेरी पत्नी की डेथ हो गई, और मेरा बच्चा ऐसा है कि वो सारे काम मतलब सब करता है, लेकिन अपनी माँ के बारे में कभी नहीं पूछता है, कुछ भी जिक्र नहीं करता। तो ये सोच सोच के मैं बहुत हैरान परेशान था कि ऐसा क्या है। तो घर जाता है, और जो उसका बच्चा होता है उसका नाम होता है पंकज। पंकज सुबह क्या है, वो नॉर्मली जैसे डेली उठता था पहले, वैसे ही सुबह को उठ करके आराम से तैयार हो जाता है, किचन से अपना टिफिन लेता है, टिफिन रखता है, और उसके बाद बाहर उसकी बस का हॉर्न बजता है, रो जाता है, बस पर बैठ जाता है और अपने स्कूल चले जाता है। वहाँ से जब आता है तो वही रोज का रूटीन, वहाँ पे एक कुर्सी उसके आंगन में पड़ी होती, वो कुर्सी यूं यूं करके अक्सर करके, वो आराम वाली कुर्सी होती, ऐसा लगता है कोई ऐसे बैठा हुआ आराम से, और वो यूं यूं करके हिल रहा। तो कुर्सी जब खोलती रहती है और उसी जगह पे वो भी बैठता है, अपना जो आता है खेलता वेलता है, उसके बाद लंच से किया, थोड़ा बहुत खाया पिया और आराम से जाके बेड पे सो जाता। कभी माँ का जिक्र नहीं करता है कभी भी। ऐसे तो पहले बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा जाने क्या क्या मन्नत मनोहार किया करता था अपनी माँ से, लेकिन अब क्यों नहीं पूछता। मैं सोच सोच के बहुत हैरान परेशान, लेकिन ऐसा क्या हो गया है आप हमें खुल के बताओ। तो कहने डॉक्टर साहब करीब 1-15 दिन के पहले ही एक ऐसा हादसा हुआ कि हमारी पत्नी की उसमें डेथ हो गई थी, और लेकिन उसके बाद जो हमारा बच्चा, पहले थोड़ा सा लगा कि ये नहीं जानता, ये जो है कुछ भी नहीं पूछ रहा हमसे, तो हम उसे बहुत वो हैं। तो कहानी जो होती है हमारी एक ऐसे मोड़ पे जाती है कि इस परिवार में ये जो की माँ होती है, ये इसका बच्चा स्कूल गया होता, स्कूल से आता है कहता पापा मुझे पिकनिक पे जाना है। पापा से इससे ज़्यादा नहीं बनती है, माँ से इसकी बहुत बनती है, क्योंकि पिता इनके जो है दारू वारू पीते थे कभी कभी, तो थोड़ा सा झगड़े वगैरह की बात हो जाती थी, इसलिए वो ज़्यादा नहीं वो करता था। तो ये पैसे उसे फीस जमा करके और ये चला जाता है बाहर, ये रात भर रहता है बाहर सभी अपनी टीम के साथ, स्कूल के पूरे बच्चों के साथ बाहर रहता। सुबह को जब आता तो इसको पता ही नहीं होता है कि माँ की डेथ हुई है, क्या हुई है, ऐसा कुछ हुआ। तो ये बैठा हुआ होता है, तब इसका पिता जो होता धीरज, वो अपने बेटे से कहता है कि पंकज ये बताओ तुम्हें माँ की याद नहीं आती, पहले तो तुम बहुत चिल्लाया करते थे माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए, फिर ऐसे बैठे बैठे करके, क्योंकि वो अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करता था। तो जब धीरज ने बोला कि ऐसे बोला अपने बेटे को, तो उसने कहा कि पापा क्या हुआ। तो वो जो है एकदम से धीरज क्या हुआ, उनको रीढ़ में फिर बहुत तेज दर्द उठा, वो ऐसे करने लगे इतनी तेज से। तो कहने क्या हुआ पापा, कुछ ज़्यादा तकलीफ है क्या। तो कहने नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें पानी दूँ, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके। नहीं नहीं तब कहने देखो बेटा मैं तो बड़ी परवाह कर रहा। तो कहने अच्छा एक बात बताओ पंकज, तुम्हें अपनी माँ की नहीं याद आती, तुम्हारी माँ पहले तो तुम इतना सा मतलब उसको करते थे, मिस करते थे जैसे स्कूल से आते, तो मैं क्या माँ को याद करूँ, माँ तो मेरे सामने ही है, याद जैसी करने की क्या बात। मम्मी कहीं जाती, मम्मी तो पहले भी ऑफिस जाती थी, दिन में ऑफिस जाती, शाम में देर में आती थी, कभी कभी और ज़्यादा लेट में आती, तो मैं कुछ नहीं, सामने बैठी है देखी क्या, वो जो कुर्सी ऐसे ऐसे हिला करती थी आराम वाली कुर्सी, उसी पे जो है उसको भी लगता है कि कोई परछाई सी है, लेकिन उस पर बढ़िया रेड रेड साड़ी पहनी हुई उसकी माँ आराम से बैठी, जैसे लगता कि ऑफिस से आई हो, उसने पास ही कुर्सी पे अपना पर्स रखा हो और आराम से बैठी हुई है।
कुर्सी यूं यूं हिलती जा रही, हिलती जा रही है। वो आराम से ऐसे देख के मुस्कुरा रही है। फिर उसके पीठ पे जब दर्द ऐसे कस के फिर उठता है रीढ़ पे, बहुत ऐसे ऐसे करता है, तो कहता है कि पापा क्या हुआ, फिर तो दर्द रखे नहीं, ऐसे लगता कोई होगा। अरे लगेगा क्या, माँ तो तुम्हारे पीछे जो है पीठ पे लदी हुई है ऐसे करके, और उसने हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, तो माँ तो तुम्हारे सामने ही देखो, ये देखो दिख रहा है, इसका हाथ ही देखो दिख रहा है पीछे। अब वो जो पीछे ऐसे देखता है, हे भगवान, देख कितनी कस के वो ऐसे ऐसे आंखें बंद करने लगता है, उसको बिल्कुल आंखें एकदम चौंधी आ जाती हैं कि क्या ये कैसा नजारा, बिल्कुल हमने तो उसको मतलब अभी इसकी डेथ हो चुकी है, ये कैसे है। फिर भाई बहुत ज्यादा वो होता है, अब तब वो अब बहुत परेशान कि इतना डर जाता है, इतना डर जाता है उसको एकदम हाँफने लगता है। फिर ये जो पंकज होता है जा करके किचन से पानी लाता है और अपने पिता को पिलाता है, पानी वो पीते हैं। फिर उसके बाद में वो जो है अपने पिता से कहता है, पिता पिताजी बताइए आखिर बात क्या है। तो तब तक जो है वो जब उनका थोड़ा सा भय कम होता है तो कहता है, पंकज बेटा ये बताओ अगर तुम्हारी माँ है यहाँ पे तो मुझे भी कहो, बात करें मुझसे। तो वो अब कहता है, अरे बिल्कुल, वो देखो माँ सामने बैठी। तो कहता माँ माँ ये बताओ पापा से बात क्यों नहीं कर रही हो। तो कहने कि मैं क्या पापा से बात करूं। वो अपने उससे बताने लगती है, कहने बताना क्या है, कैसे क्या है ये बताओ पहले। तो कैसे क्या है, कि मम्मी है मेरी और क्या है। तो कि मम्मी आप हो कहाँ, ये पापा बार बार पूछ रहे तो आपको कहाँ हो, कि मैं कहाँ हूँ। फिर जो है कि मैं बदला लूंगी, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। इन बदला कैसा बदला मम्मी, कैसा बदला, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहने लगी क्या हुआ, तो वो कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा जो हैं इस तरह से मतलब परेशान होकर के कहती है, पापा ने ही तुम्हारे जो है मेरी हत्या कर दी है। एकदम सन्नाटा। तो कहने की अच्छा ऐसा है। फिर दोनों में फिर बातचीत ऐसे ही होती है, वो तो आत्मा बन गई होती है, ऐसे करके वो जब फिर से उसकी पीठ पे लग जाती है और उसकी रीढ़ एकदम से टूट जाती है, जब ऐसे टूट जाती है और फिर एकदम से मुड़ती पूरी गर्दन चढ़ा के और वहीं पे वो ढेर हो जाता। जब उसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे ही पिता की उसके, अब वो पंकज बहुत परेशान। तब उसकी माँ कहती है, पंकज बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हारा पहले भी ख्याल रखती थी और अभी भी ख्याल रखूंगी, तुम अपने मामा को फोन करो, अपने राजेश मामा को, बड़े मामा को फोन करो और उनको यहाँ बुला करके तब मैं सारी बात बताऊंगी। तो भाई आनंद फानंद में कहने कि तुम तो छोटे हो, अभी कुछ कर नहीं पाओगे, तो ऐसा करो मामा को बुला लो। उसने तुरंत फोन किया अपने मामा को, मामा जो उसके 2-1 घंटे में आ गए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा दूरी पे थे नहीं, वो आ गए, घर उनका पास में ही था ननिहाल। तो जब वो आ गए तो बैठे तो वो देखिए क्या ये क्या है, और कहने की तुम्हारी माँ का, मामा उसके बताने लगे, अरे तुम्हारी माँ तो किसी के साथ, पापा तुम्हारे बता रहे थे किसी रिश्तेदार के साथ भाग गई, उसको चाल चलन बहुत खराब था। तो कहना अरे ऐसा उसने जो क्या ऐसा कृत्य किया था उसके पिता ने कि उसकी माँ को मार करके और सारी रिश्तेदारी में खबर फैला दी थी कि उसकी माँ बदचलन थी, कलंकिनी थी, इस तरह से उसने सबको बताया हुआ था। और इसको पुत्र को तो उसको पता ही नहीं, पंकज को। तो भाई जब मामा उसके जब ये सब बताया तो उसको बहुत गुस्सा अपने पिता पे आई, तो अच्छा किया माँ ने ऐसा किया उनके साथ। फिर वो क्या होता है कि वो उसके मामा जो हैं वो उसकी डेड बॉडी को ले जा करके उसकी अंतिम क्रिया करते हैं, और फिर बाद में आराम से जब बैठते हैं शाम में तब कहते हैं, दीदी मुझे ये बताओ, वो फिर आकर के आराम कुर्सी पे बैठ जाती है, बताओ कि क्या हुआ था एक्चुअल में। तो कहने कि भाई भाई एक दिन की बात है, हम तो रोज ही शाम में आते थे, इन्होंने तो इतना दारू पीना कर इतनी कलह घर में मचा के रखी थी, मेरे सारे पैसे छीन लेते थे और सब उसमें उड़ा देते थे, मुझे हमेशा शक किया करते, उल्टा सीधा किसी के साथ ऑफिस के लोगों के साथ जोड़ करके मुझे जाने क्या क्या गंदी बातें कहते रहते। तो एक दिन शाम में थोड़ा सा हम 8-9 बज गया और ये पंकज वहाँ से आया नहीं था पिकनिक से, तो ऐसे ही हम अंदर बैठे हुए थे, इन्होंने आए ये पहिए हुए बहुत ज़्यादा थे, घर में देखा कुछ भी नहीं है, ये जाते हैं खाने के लिए देते किचन में, वो भी खाना भी नहीं क्योंकि हमको आने में देर हो गई थी, और ये जो है खाना भी ढूंढते नहीं मिलता, फिर इधर जाते उधर जाते बौखलाहट में जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। फिर जैसे ही हम आते हैं इधर कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं, तो हम सोचते हैं भी जल्दी से कुछ बना लेते हैं किचन में जा, तो हम उठ करके चलने को होते हैं किचन में कि लाई बना लेते हैं, अभी पंकज भी आता होगा। तो क्या होता है कि पता नहीं कैसे कैसे गालियां देने लगते हैं मुझे और मेरे बाल पकड़ के इतनी तेजी से घसीटते हैं, फिर हम लड़खड़ा के हमको ऐसे धक्का दे देते, इतनी तेजी से मुझे धक्का देते हैं और चोटी मेरी खींचते हुए मैं इसी कुर्सी पे गिरती हूँ, बहुत तेज से कुर्सी पे गिर के, और इसी स्टूल पे मेरा पर्स रखा रह जाता है और हमारी वहीं पे समझ लो ये माथे पे चोट लगती है और पता नहीं कहाँ का, उसके बाद हमारी जान निकल जाती है।
और इसी कुर्सी पे ही हम पड़े रह जाते हैं। अब ये किचन में जाते हैं, यहाँ वहाँ जब इनका नशा उतरता है तो क्या देखते हैं, फिर ये धीरज चिल्लाते हैं कस के, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तो तुझे मार डालूंगा, फिर से बोलने लगते हैं वैसे ही। अब जब हम मर ही चुके तो मरेंगे क्या दो बार में। फिर ये आनंद फानंद में क्या करते हैं कि अभी बेटे को आने का टाइम हो रहा है, ले जा करके पीछे वाले आंगन में हमको दफना देते हैं, वहीं पे आप जा करके देखो, वहीं पे हम वैसे ही मिलेंगे। तो वाकई में दोनों मामा भांजे जाते हैं पीछे, अन्य लोगों की सहायता से उसको खुदवाया जाता है वहां पे। जब खुदवाते हैं तो क्या देखते हैं, वो लाल साड़ी में लिपटी लाश पड़ी हुई है उसी में, कौन से लतपत, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, वही 10-15 दिन का टाइम था, निकाला, फिर उनका भी अंतिम संस्कार उसी दिन किया गया। जब उसकी माँ का अंतिम संस्कार हो गया, फिर भी ये दोबारा से कहने की आज हम जो है अपने भाई से और भी कुछ बात करना चाहते, तो बोलता राजेश बोलता है बोलो दीदी क्या करना है। तो कहने की करना क्या है, अब तो दोनों ही लोग वो हो चुके हैं, तो हमारा पुत्र तो अनाथ हो गया है, इसलिए आप जो है हमारे पुत्र की आगे से इसकी पढ़ाई और लिखाई का, और ये बड़ा आदमी बने, ये मेरी इच्छा है, और ये बहुत अच्छा अपने आगे जीवन में काम करे। तो कहने ठीक है दीदी, मैं जो भी कुछ करना मैं अच्छे से करूँगा। लेकिन अब ये चूंकि ये बहुत डरा हुआ सा है, बच्चा जो है अब और डरने लगता, क्योंकि इसके सामने सारी चीजें हो गई ओपन, पहले तो ये जानता नहीं था कि ये क्या है। जब इतना हो गया तो इसके मन में थोड़ा सा डर हो गया, तो मामा ने कहा तुम बेटा डरो नहीं, हम तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। फिर उस घर को तो बंद कर दिया जाता है, और इसको मामा जो है अपने साथ ले जाते हैं और हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करता है। जब ये पढ़ाई करता होता है तो इसके रूम में एक, जहाँ पे ये हॉस्टल में रहता है, तो अब उससे थोड़ा अब बड़ा हो गया तो कॉलेज पहुँच गया, कॉलेज के हॉस्टल में है, तो इसके रूम में जो है वो थोड़ा सा झगड़ा उड़ा करते हैं, लेकिन इसकी माँ इसके साथ साए की तरह रहती है। ये रैंगिंग लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे, और ये पहुँचता है, इसके साथ और भी साथी होते हैं, तो सीनियर बच्चे जो आकर के इसकी रैंगिंग का करते हैं, तो ये कहता ठीक है हम अभी रूम में होकर के आते हैं। ये इधर रूम में आता है, तब तक क्या होता है, वही जो लड़के इसकी रैंगी लेना चाहते वो चारों पांचों आ करके इसके सामने ऐसे कान पकड़ के घुटनों के बल बैठ जाते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, भाई मुझे माफ़ कर दो। तो ये ऐसे दिखता कि अरे ये क्या चमत्कार हो गया, हम तो इससे डर रहे थे, ये तो सारे के सारे मेरे सामने ऐसे कान पकड़े बैठे हुए कि भाई मुझे माफ़ कर दो माफ़ कर दो। तब तक वो देखता है उसकी माँ जो है उनके पीछे ही एकदम खड़ी, वही रेड कलर की साड़ी पहने एकदम खड़ी हुई आराम से, और उससे कह रही कुछ नहीं, मतलब वो समझ गया कि मेरी माँ ने ही इनकी कोई ना कोई हालत करके तभी इनको छोड़ा होगा, इसीलिए ये हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसे करते उसके अच्छे से दिन निकल जाते हैं, और वो कॉलेज की भी पढ़ाई ख़त्म करके एक अच्छे से ऑफिस में बढ़िया से रैंक का एक मतलब वो बन जाता है ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट उस पर होता है, और वहीं पर रहने लगता है। वहाँ भी इससे सब कुछ जाति जो लोग करते हैं, फिर वहाँ भी उसकी माँ उसकी हेल्प करती है, इस तरह से उसकी माँ साए की तरह उसके साथ रहती है। फिर जब ये बैठा होता है एक बार ऑफिस में, तो ये उसके सामने लगा होता शीशा, क्योंकि ऐसे तो उसको देखना पड़ता जब वो खुद दिखना चाहती है, लेकिन कहते हैं ना शीशे के सामने आत्मा बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो जब उसके सामने शीशा होता, पीछे को बैठा होता ऐसे करके और सामने शीशा, तो देखता है कि उसकी माँ जो है बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है, और माँ कहती है आज से मैं तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ, क्योंकि तुम अब बिल्कुल कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ चुके हो, अब तुम अच्छे से रहो और मामा का भी ख्याल रखना, ऐसा करके और उसको आशीर्वाद देके उसकी माँ विलुप्त हो जाती है वहाँ से, क्योंकि उसका जो है काम खत्म हो जाता है। तो इस तरह से एक माँ जो है अपने पुत्र की रक्षा के लिए जाने क्या क्या जतन करके देखो उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। तो ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।